हेलो स्टूडेंट, टर्चर ऑफ एटम क्लास 11 का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमने आगे के लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूं कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे कंसीडर किया। तो वही बात हम पहले डिस्कस करते हैं और बाद में हम बोहर मॉडल की तरफ एक्सटेंड हो गए। तो अभी देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोला गया था? आपने आगे देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोला जाता है कि जिसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पे हमने देखा था इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो हमने उस टाइम देखा था एक पोल था और पोल के ऊपर क्या था? एक नारियल था। उस नारियल को ऊपर हम क्या डाल रहे थे? गेंद डाल रहे थे। अब नारियल हिलेगा कब? जब बॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा होगी तभी वो हिलेगा। तो मींस क्या हुआ? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है वो मैंने आपको आगे बताया। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोटोन के ऊपर। फोटोन मींस एनर्जी, E मींस एनर्जी इक्वल टू फाइव, और फाइव मींस क्या होता है? वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? वर्क फंक्शन का मीनिंग होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो आप, ये जो कोकोनट था उसके ऊपर आपने गेंद से मारा, अब कोकोनट हिला मींस क्या हुआ? वर्क फंक्शन हुआ, मीन इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इजेक्ट हुए। अब वही कोकोनट को आपको क्या करवाना है? नीचे गिराना है, मीन्स उसमें एक एनर्जी क्रिएट करनी है। नीचे गिरेगा तो लुढ़केगा, मीन लुढ़कने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जो लुढ़कने के लिए एनर्जी चाहिए वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन मींस फाइव बोलेंगे। अब उसके थ्रू ही आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए देखा। तो जो पहली बार जो एनर्जी गिरती है कहां पर? कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसको क्या बोलेंगे हम? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ओके, तो वो क्या हुआ? एच बी हुआ, मीन वो क्या हुआ? ई हुआ। ई का फॉर्मूला हमने देखा था, ई इक्वल टू क्या था? एच बी। म्यू भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट और वी और एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻¹⁴। वो तो हमने बात की थी ऑलरेडी। यहाँ पे एच वी जो डिनोट करता है इक्वल टू, अब फाइव क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपको डिनोट करना है तो उसके क्या होगा? एच म्यू जीरो, इसको क्या लिखेंगे? एच म्यू जीरो बोलेंगे। ओके, और काइनेटिक एनर्जी है उसको लुढ़काने के लिए नारियल को, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या बनेगा? 1.5 mv². m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v है तो उसको हम डिनोट करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? 1.5 mv². अब ये जो इक्वेशन हुआ वो किसके लिए? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब इसके थ्रू आप क्या फाइंड कर सकते हो? वी मीन्स वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। यही फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं आपको और उसके थ्रू आप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो क्या था?
H mu means frequency and Planck constant. H V zero means क्या हुआ phi work function plus 1.5 m V square. M है वो mass of electron और V है वो velocity of electron. अब इसको हमें formula को denote करना है तो क्या होगा H mu minus H mu zero equal to 1.5 m V square. अब आपको v square find करना है, हमें velocity find करनी है, तो क्या होगा 2, ये 2 है, division में, multiplication में, h mu, h v 0, अब इसको divide करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m, अब जो v square है, तो square को क्या करोगे, आप square root में convert करोगे, 2, h v 0, और m, अब वैसे यहाँ क्या find कर सकते हो, v means velocity of electron, 2 h h यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं और v मींस फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय m तो ये क्या हुआ आप आइंस्टाइन के रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फार्मूला